आप लोग भी दूर रहो। सागर के मकरोनिया में बम ब्लास्ट हो गया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। ब्लास्ट की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया। धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। दरअसल मकरोनिया थाना क्षेत्र के आनंद नगर में राजू साहू के कबाड़े की दुकान में यह हादसा हुआ। दुकान में सेना के बम से खोल निकाला जा रहा था, इसी दौरान वे फट गया। विस्फोट में एक युवक की चिथड़े उड़ गए और दो घायल हो गए। वहीं मौके पर सागर जोन के आईजी सतीश सक्सेना और एसपी अमित सांगी समेत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये थाना है, मैं राजाखेड़ी उपनगर जो है, इसमें एक कबाड़ी की दुकान है जिसको ये पप्पू साहू चलाता है। आज लगभग 2:30 बजे के आसपास यहाँ एक ब्लास्ट हुआ और इसमें इसके यहाँ जो एक नौकर था बैजनाथ करके, बैजनाथ की मौत हो गई है। पप्पू साहू और एक उसका भतीजा है, ये हल्के घायल हैं जिनका बीएमसी में इलाज चल रहा है। अभी प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो आर्मी की शैल होते हैं जो फायरिंग रेंजेस में, ये कुछ शैल तरह, शैल की ही तरह का कोई विस्फोटक था जिसमें से सामान्यतः कबाड़ी पीतल और अन्य धातु निकालने के लिए उपयोग में लाते हैं और उसी के दौरान ये हादसा हुआ है। और इसमें आर्मी को भी खबर कर दी गई है, तो उनके तरफ से भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो और आर्मी इंटेलिजेंस, इनकी टीमें आ गई हैं। तो ये और प्लस हमारा जो BDDS का दस्ता रहता है वो भी पड़ताल कर रहा है। तो ये अभी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का ये बम था और कौन सा विस्फोटक था। और इसके अलावा ये जो इनका पूरा स्क्रैप पड़ा हुआ है, इसकी अभी और तलाशी कर रहे हैं कि कहीं इस तरह के कोई और बम ना हो। उधर पे कवाली कुछ फूट रहा था, तो उसमें क्या है, एकदम से फूटते समय बम होगा, फट गया एकदम से। तो हमारी गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी, टू व्हीलर, तो हमारी गाड़ी भी पूरी मिट गई है। और हम तो थे स्कूल में, दीपक मेमोरियल स्कूल में, बच्चे छोड़ रहे थे उधर पे। बस इतनी ही घटना हमने देखी, और आवाज़ आई जो हम देखने आए तो गाड़ी बिल्कुल ना बिल्कुल मिट गई। बच्चों ने क्या महसूस किया जब आवाज़ आई तो? बच्चे, बहुत से बच्चे निकल चुके थे, थोड़े बहुत बच्चे बचे थे, तो डर गए। अब धमाका एकदम से हुआ था, धमाका बहुत तेज था। हाँ, बहुत तेज था। फिलहाल घायलों को BMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सागर से न्यूज के लिए रघुवेंद्र की रिपोर्ट।